खबर इटावा से है। यहाँ पर थाना चकन नगर क्षेत्र के अंतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ में चोर गिरोह के 5 साथी चोरों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP इटावा संजय कुमार ने इस संबंध में बताया कि यह 5 चोर काफी सातिर किस्म के हैं और इन पर पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं। अभियुक्तों के पास से चोरी किया गया एक ट्रैक्टर, मोटर, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस को भी जब्त किया गया है। ये टिप ऑफ मिला था चकन नगर पुलिस को, उसमें CO चकन नगर और इंस्पेक्टर चकन नगर द्वारा जब टीमें बना करके मौके पर अभिसूचना के आधार पर जब गए तो वहाँ पर जंगलों में 5 लोग बैठे हुए थे और जब पुलिस को देखा उन्होंने तो तमंचे से फायर किया पुलिस पर, जो है पुलिस ने भी आवश्यक बल लगा कर उन्हें गिरफ्तार किया है। 5 लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद हुआ है और उसके साथ साथ पुलिस मुठभेड़ का जो अभियोग होता है वो भी दर्ज किया गया है। उनके पास से जब पूछताछ की जाती है तो उनके पास से तमंचा बरामद किया गया है, साथ ही साथ खोखा कारतूस 315 बोर का और भी जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, पंखा मोटर बरामद किया गया है, चोरी का कंबल बरामद किया गया है। इस 5 मुलजिमों से राधाकृष्ण है, अंकुश सिंह है, संदीप है और ब्रजेंद्र कुमार तथा नेम सिंह, 5 मुलजिम ये पकड़े गए हैं जिसमें 3 इटावा जनपद चकन नगर के रहने वाले हैं तथा राधाकृष्ण और अंकुश ये जनपद भिंड के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के। इस प्रकार से पुलिस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं जिसमें राधाकृष्ण के खिलाफ 4 अभियोग, अंकुश के खिलाफ भी 3 अभियोग और संदीप और ब्रजेंद्र और नेम सिंह के खिलाफ भी 3 अभियोग दर्ज हैं। इसमें पुलिस द्वारा जो अभियोग दर्ज किया गया है TPNS जो पुलिस और चोरी का जो मुकदमा दर्ज था, साथ ही साथ 109 BNS का जो दर्ज किया गया है और इस आधार पर उक्त अभियोगों में इन अभियोगों में 5 मुलजिम को विधिक कार्रवाई करते हुए बरामदगी इत्यादि के आधार पर जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1।